तलने के बाद यहाँ पर कई तरीके के पकौड़े बनाए जाते हैं। और वही नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वीर और आप देख रहे हैं ग्वालियर फूडी। स्वागत करता हूँ आपका एक और नई वीडियो में। तो इस वक्त मैं हूँ बनारस में, बनारस का जो घाट वाला एरिया यानी कि जहाँ पे गंगा जी की आरती होती है उसी एरिया की तरफ हूँ। वहाँ पर एक लंका के लिए रोड जाती है, उस रोड पर हूँ जहाँ पर हमें एक दुकान देखने के लिए मिली है जहाँ पर पकौड़े बनाए जाते हैं। तो आइए जानते हैं इस दुकान के बारे में और इस दुकान के राज के बारे में। एक होटल के बगल में एक छोटी सी 4x4 की दुकान है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जिसका अंदाज़ा आप यहाँ की भीड़ से लगा सकते हो। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या हमें देखने के लिए मिलता है। दुकान के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे सबसे पहले एक बाबा जो कि पकौड़े बनाने का काम करते हैं। पकौड़े कुछ इस तरीके से तले जा रहे हैं कढ़ाई के अंदर, आप लोग साफ साफ वीडियो के में देख सकते हैं। और पकौड़े बनके तैयार होते हैं, वो कनस्तर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और भट्टी आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा गर्म हो चुकी है जिसके ऊपर पकौड़े तले जा रहे हैं। पकौड़े तलने के बाद यहाँ पर कई तरीके के पकौड़े बनाए जाते हैं और वही हम बस इनसे पता करेंगे कि किस किस तरीके के पकौड़े यहाँ पे बनाए जाते हैं। भीड़ काफ़ी ज़्यादा है जिसकी वजह से हम उनकी ग्राहकी ख़राब नहीं करना चाहते, बेसिकली उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, इसीलिए जितना हो सकेगा हम उनसे ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी निकलवाने की कोशिश करेंगे लेकिन मर्यादा में रह के उन्हें बिना परेशान किए। ऑलराइट दोस्तों, लेकिन इनके जो पकौड़े हैं वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं, जिसका अंदाज़ा आप भीड़ से लगा सकते हो कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ है इस वक्त भी। और दुकान भी कोई बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, 4x4 की दुकान है, लेकिन उसके बाद भी इतनी ज़्यादा भीड़ होना ये बहुत बड़ी बात है। ये दर्शाता है कि ये पकौड़े काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं और ऑब्वियसली ये काफ़ी ज़्यादा पुरानी दुकान भी होगी, तो उसके बारे में भी भैया से जान लेंगे कि ये कितनी पुरानी दुकान है, कितनी पुरानी नहीं है। हर हर महादेव भैया जी, क्या नाम है भैया आपका? सुरेश यादव। इधर रखिए भैया। यहाँ पे कितने प्रकार के पकौड़े बनाते हो आप लोग? बैंगन, आलू चॉप, पालक, टमाटर, ब्रेड पकौड़ा, मिर्ची, 15। तो यार देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी वैरायटी है पकौड़ों की, अलग अलग तरीके, कई सारे पकौड़े बनाए जाते हैं। और अभी जानकारी लेते हैं बाकी जितनी जानकारी हो सकती है। बाबा जी भी यहाँ पे काम कर रहे हैं, काफ़ी मेहनत से काम कर रहे हैं क्योंकि भट्टी के सामने बैठना बहुत बड़ी बात है इतनी ज़्यादा गर्मी में वो भी। तो आइए जानकारी लेते हैं भैया जी से इसके बारे में कि यहाँ पे क्या क्या जानकारी हमें देखने के लिए मिल जाएगी। भैया को हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। भैया जी, ये अपनी कितनी पुरानी होगी दुकान? बहुत पुरानी है, लगभग 50 साल लगभग होगी। 50-60 साल है ना? तो ये दुकान जो है वो काफ़ी ज़्यादा पुरानी है मेरे दोस्तों। 50-60 साल बहुत ज़्यादा लंबा समय हो जाता है। और इसका जो एरिया है वो भी आप देख सकते हो, बाबा जी भी यहाँ पे काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, यानी कि ऑलमोस्ट इनके फादर जी ने ये दुकान स्टार्ट करी थी। कुछ ये है पकौड़ी सर्व करने का तरीका। एक कटोरी के अंदर सबसे पहले सब्जी, सब्जी में पकौड़ी, जो कि इस पकौड़ी का और भी ज़्यादा काफ़ी लाजवाब बना देता है। भैया जी, एक प्लेट हमारी भी लगा देना। दोस्तों इस तरीके से जो प्लेट है वो लगाई जाती है, सबसे पहले पकौड़ी, पकौड़ी के ऊपर सब्जी डाल दी जाती है और उसके बाद इसमें एक चम्मच लगाने के बाद इस तरीके से तैयार कर दिया जाता है इस पकौड़ी वाली कटोरी को। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है, क्योंकि पॉपुलर तो काफ़ी ज़्यादा है, और चेक करते हैं कि कितना ज़्यादा स्वाद है, क्योंकि भीड़ के हिसाब से तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्वाद देखने को मिलेगा। हालांकि हम बनारस पहली बार आए हैं, अगर ये अच्छा लगा तो बार बार बनारस ज़रूर आएंगे। यहाँ का एड्रेस भी भैया से ज़रूर पूछेंगे और आपको भी ज़रूर बताएंगे। जानते हैं इस पकौड़ी के स्वाद के बारे में और उसको खिलाकर जानेंगे कि ये पकौड़ी कितनी ज़्यादा टेस्टी है, कितनी ज़्यादा लजीज है। काफ़ी ज़्यादा गर्म है तो बाइट करने में थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन कोशिश कर सकते हैं। राजपाल यादव वाला काम मत कर देना बस। तब तक के लिए हम आपको एक बार फिर से दुकान दिखा सकते हैं। दुकान काफ़ी ज़्यादा छोटी 4x4 की दुकान है, उसके बाद इतनी ज़्यादा पॉपुलर है, ये मतलब काफ़ी अद्भुत और यूनिक बात है, अनोखी बात है। क्योंकि इतनी ज़्यादा छोटी दुकान होने के बाद भी दुकानें बगल में होटल चल रहे हैं, होटल खाली पड़े हैं, लेकिन ये दुकान बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। लोग यहाँ पर आते हैं, बार बार आना पसंद करते हैं, हर बार आना पसंद करते हैं। अब लोग आप देख सकते हैं कि पकौड़े, ब्रेड पकौड़े बनाए जा रहे हैं। अब जैसा कि भैया ने बताया था कि यहाँ पे कई सारी वैरायटी के पकौड़े बनाए जाते हैं, फिलहाल यहाँ पे ब्रेड पकौड़े बनाए जा रहे हैं और हमारे साथी ने भी इसको टेस्ट कर लिया। अब वो हमें इसकी जानकारी देंगे प्रॉपर तरीके से। बताइए सर, आपको इसका टेस्ट कैसा लगा और कितना लाजवाब है, कितना ख़राब? टेस्ट तो बहुत लाजवाब है। मैंने सब्ज़ी डाली, उसका टेस्ट, चटनी वगैरह डाली, उनका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट है। बस बनारस में टेस्ट के बारे में कुछ नहीं कह सकता मैं, होता कौन हूँ कहने वाला, पर टेस्ट बहुत ज़बरदस्त। आइए भैया जी से जानते हैं यहाँ का एड्रेस और टाइमिंग, कितने बजे से कितने बजे तक दुकान खुलती है। एड्रेस भैया प्रॉपर, यहाँ का एड्रेस क्या है? जंगम बाड़ी। अच्छा, और टाइमिंग क्या रहती है, कब तक खुलती है दुकान? 12 बजे खुलते हैं, रात 10 बजे बंद करते हैं। रात को 10 बजे, यानी कि जब तक माल रहता है तब तक बनाते रहते हैं ना?
यानी कि दोस्तों आप लोग देख सकते हो जब तक भैया जी के पास माल रहता है तब तक वो सेवा करते रहते हैं, और एक बार माल खत्म हो जाता है तो अगले दिन फिर दोबारा से सेवा करते हैं।